हाय फ्रेंड्स, बैक विद अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं थार से पहली लॉन्ग ड्राइव पे हमारी कुलदेवी जीन माता के मंदिर। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे डीजल भरा रहे हैं। तो हमारी कुलदेवी का जो मंदिर है वो है सीकर में, जयपुर से लगभग 115 किलोमीटर दूरी पर। बस हम पहुंच ही गए हैं और हमने प्रसाद माला वगैरह सब ले लिया है। मैं और मम्मी हम सब जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा दर्शन करने के बाद दोबारा से। तो ये मंदिर का कुछ बाहर का व्यू है, बस अब निकल ही रहे हैं मंदिर से हम। तो बस अब निकलेंगे जयपुर के लिए। ये हम रुके हैं अभी रास्ते में चाय पीने के लिए। तो यहाँ एक छोटा सा पपी मिल गया था, उसको बिस्किट भी खिलाया हमने, बिस्किट खा के सूसू करने चले गया। अब लौट रहे हैं जयपुर के लिए। लगभग 10:30-11 बज चुके हैं, पहुँचते पहुँचते 11:30-12 बज जाएंगे। तो फाइनली गाइज हम घूम कर आ चुके हैं जीन माता से, हमारी जो कुलदेवी है। और अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और थकान भी हो रही है, सुबह के निकले हुए हैं अर्ली मॉर्निंग। जैसे बताया था आपको, जयपुर में बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ के ट्रैफिक में। और फाइनली हम पहुँचे बड़े आराम से 4:30 बजे। और फिर उसके बाद अभी बस रात को घर पर आए हैं, तो बस अब कुछ खाएँगे और फिर सोते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, आपको एक बात बतानी थी, अगला जो वीडियो है मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ कि मेरा गाड़ी का नंबर क्या होगा और मैंने कितने का उसे परचेज़ किया, क्योंकि ये एक फैंसी और वीआईपी नंबर है और इस नंबर के लिए ऑक्शन होता है, मतलब नीलामी होती है। और अगर एक से ज़्यादा लोगों को ये नंबर पसंद है तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ का वो लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने भी वही किया, मैंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया और कोइंसिडेंटली या कह लीजिए किसी तरीके से किसी और को भी नंबर पसंद था, उन्होंने भी बैट किया और फाइनली इस बैट को मैं जीत गया, मतलब ये नंबर मेरा हो गया। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ा, बट मुझे ये नंबर चाहिए था तो मैंने इस नंबर को परचेज किया। तो अगले वीडियो में हम पूरा दिखाने वाले हैं हमारी नंबर प्लेट का इंस्टॉलेशन और जो हमारा नंबर होने वाला है इस गाड़ी का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।